तो वहीं रायबरेली में भी वोटों की गिनती से ठीक पहले सभी सपा कार्यकर्ता दिन रात मतगणना स्थल के बाहर डटे हुए हैं। इस दौरान भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मतगणना स्थल पहुंच गए, जिसको लेकर पुलिस और सपा के कार्यकर्ताओं में इस दौरान नोकझोंक थी। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा प्रत्याशी डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने अधिकारियों कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद सपा के कार्यकर्ताओं ने ले ली है। रायबरेली शहर के गौड़ा बाजार स्थित आईटीआई कॉलेज में सपाइयों का यह जमावड़ा देखने को मिल रहा है।